हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञानपुरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब GDS की तरफ से रिक्वायरमेंट बड़ी अपडेट आ रही है। लगभग इसमें 3000 प्लस वैकेंसी निकल के आई है दोस्तों। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं मांगी गई है इसमें। 10th पास अगर कंप्लीट है तो आप लोग इसमें जॉब कर सकते हैं, जो आप लोगों का इंडियन पोस्टल में जॉब रहेगी। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को और उसका डिटेल डाउनलोड करते हैं और देखते हैं क्या डिटेल दिया गया है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का एक साथ निकाला गया था वैकेंसी। और इसके बारे में भी मैं वैकेंसी के बारे में मैं वीडियो बनाया हूँ। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल पे जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज जो लेटेस्ट निकल के आई है ये महाराष्ट्र की तरफ से निकल के आई है। देखिए, 3650 वैकेंसी निकल के आई है। तो इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही वो डाउनलोड हो जाता है। और यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट करना है, उसके बाद फिर अप्लाई करना है। तो हम लोग सबसे पहले डिटेल यहाँ पे भी महाराष्ट्र सर्कल का डेट वगैरह सब मिल जाएगा। 1/11 से स्टार्ट होगा, 30/11 तक 1 महीने टाइम है ऑनलाइन करने के लिए। तो सबसे पहले बढ़िया होगा कि हम लोग चलते हैं PDF पे और यहाँ से डिटेल को देखते हैं। थोड़ा शॉर्ट भी हम लोग देखेंगे क्योंकि देख ही सकते हैं 138 पेजेस का ये निकल के आती है। तो 130 पेज, इतना ज़्यादा पेज को वन बाय वन लाइन बाय लाइन बताना तो पॉसिबल नहीं होगा। वीडियो ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी, लंबी भी हो जाएगी। तो जॉब प्रोफाइल हम लोग का क्या रहेगा इसमें? पहला है ब्रांच पोस्ट मास्टर, BPM रहेगा, ये पोस्ट मास्टर का रहेगा पहला जॉब। उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का रहेगा। अगला हम लोग का डाक सेवक का रहेगा। तो ये सब वैकेंसी निकल के आएंगी जिसमें से सैलरी वगैरह सब देख सकते हैं। लेवल 1 दिया गया है, ये 12,000 है। इसके बाद 14,000 दिया गया है, ये फर्स्ट लेवल 1 के लिए रहेगा। और ये 5 कितने, 4 आवर्स के लिए, ये 5 आवर्स के लिए, इस तरह से डिवाइड किया गया है ये सबको। उसके बाद दूसरा वाला ABPM और डाक सेवक के लिए 10,000 4 आवर्स लेवल 1 में, और उसके बाद 12,000 रहेगा 5 आवर्स लेवल 2 में। एज की बात करते हैं तो 1/11/2019 के आधार से 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं, SC ST OBC कैंडिडेट वगैरह हैं आप लोग, तो छूट भी मिल जाएगा। लेकिन साथ में आप लोगों का सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, SC ST के लिए 5 ईयर्स दिया गया है, OBC के लिए 3 ईयर्स दिया गया है। EWS के लिए यहाँ पे ऐसे नहीं मेंशन किया गया है। पर्सनल डिजेबिलिटी PWD वाले के लिए 10 ईयर्स दिया गया है, और डिजेबिलिटी OBC वाले के 13 ईयर्स दिया गया है। SC ST डिजेबिलिटी वाले के लिए 15 ईयर्स दिया गया है। तो ये सब का भी बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्या है, देखिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट 10th पास अगर कंप्लीट किए हैं तो आप लोग सबको अप्लाई कर सकते हैं। कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज होना बहुत ही जरूरी है, लोकल लैंग्वेज आप लोगों को आनी चाहिए। और यहाँ पे सर्किल सब दिया गया है आंध्र प्रदेश, जो मतलब जिस जहाँ पे कर रहे हैं वो अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज सबके डिटेल दिया गया है। आंध्र प्रदेश का देखिए ये सर्किल रहेगा, ये लोकल लैंग्वेज रहेगा आंध्र प्रदेश का। अगला असम का आइएगा तो असम में बंगाली मिलेगा, असमीस मिलेगा, बिहार में हिंदी मिलेगा, छत्तीसगढ़ में हिंदी मिलेगा, दिल्ली में हिंदी मिलेगा, गुजरात में गुजराती मिलेगा। तो ये सब का डिटेल इस टेबल में बन के आता है। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह थोड़ा बहुत आप लोगों को भी आना चाहिए। DCA वगैरह अगर कंप्लीट किए हैं तब आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। लोकेशन जैसे दिया गया है, साथ ही साथ नॉलेज ऑफ साइकिलिंग के होना चाहिए, साइकिल चलाने भी आप लोगों का आना चाहिए। अप्लाई किस तरह से करना है उसके लिए यहाँ पे दिया गया है, वैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था। रजिस्ट्रेशन पहले करना है, डेट यहाँ पे दिया गया है, लिंक दिया गया है जो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है वीडियो का, जहाँ पे आप लोगों का नाम देना होगा, 10th के आधार से सर्टिफिकेट वगैरह, उसके बाद फादर्स नेम, मोबाइल नंबर आपका जो वैलिड है वो दे दीजिएगा, मोबाइल नंबर और मेल आईडी। कभी भी अप्लाई कीजिएगा तो वैलिड वाला ही होना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, ये सब डिटेल जो यहाँ पे मेंशन किया गया है ये सब लगेंगे आप लोगों के। तो आप कुछ आप लोग कंप्लीट करके रखिए, जितने सर्टिफिकेशन वगैरह है वो सब का आप लोग स्कैन करके रखे रहिए। और पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट देखिए 100 रुपये रखा गया है कि 100 रुपये पेमेंट करना होगा। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक तो दे दिया है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को एक बड़ा सा टेबल मिलता है जहाँ पे हम लोग का सर्टिफिकेट लगेंगे, जो SSC मार्कशीट डेमो सर्टिफिकेट जो लगेगा उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, JPE, JPEG, JPG, उसके बाद क्या साइज कितने होने चाहिए उसका दे दिया गया है। और ये मैंडेटरी है, वो चीज़ दिया गया है। तो इस तरह से सारे पूरा टेबल बन के आते हैं, जितने सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, फोटो, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो भी लगेंगे वो सबका डिटेल दिया गया है कि कितना साइज होना चाहिए, कौन सा फॉर्मेट में होना चाहिए,
उसके बाद यहाँ पे डेट आप लोगों का मिल जाएगा, डेट रजिस्ट्रेशन जो देखिए रजिस्ट्रेशन एंड फी सबमिशन स्टार्ट डेट 1/11 से स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन एंड फी सबमिट इंड डेट जो होगा 30/11 रहेगा, उसके बाद अप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट डेट होगा 1/11, उसके बाद अप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन इन डेट होगा 30/11। नीचे में यहाँ पे आप लोगों के सारे डिटेल मिलेंगे, क्या क्या डिटेल दिया गया है, पहला सीरियल नंबर दिया गया है, डिवीजन है, उसके बाद एचओ नेम दिया गया है, एसओ नेम दिया गया है, बीओ नेम दिया गया है, पोस्ट का नाम दिया गया है, कौन सा पोस्ट और किस कैटेगरी में कितने वैकेंसी है, उसके बाद स्केल ऑफ पे सैलरी के बारे में कितने मिलेगी वो चीज़ दिया गया है, और कहाँ के लिए है वो अथॉरिटी वो चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र के लिए दिया गया है पहला वाला, ये सब कौन सा एचओ में आता है, कौन सा एसओ में आता है, बीओ कहाँ पे पड़ता है, इसका पोस्ट का नाम क्या रहेगा, जीडीएस बीपीएम दो निकाल के आती है, और यहाँ पे ओबीसी के लिए है सिर्फ एक ही वैकेंसी, 12,000 इसका स्केल ऑफ पे रहेगा। तो इस तरह से डिटेल निकल के पूरा दिया गया है, इसीलिए इतना ज़्यादा लंबी पीडीएफ हो गई है। तो आप लोग देख लीजिए आपका नियरेस्ट कौन सा पड़ता है, वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डिटेल देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग क्लिक करके डाउनलोड करके अच्छी तरह से डिटेल में एक बार देख लीजिए और ज़रूर अप्लाई करें दोस्तों।